राखी वो घरे लो भारी
Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै शिवरवे नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरकृते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनाम्ने गौरशक्तिस्वरूपाय स्वरूपानुभवराय ते
वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुरेव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य श्री गौर भक्तवृंद। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत तुलसी गुरुवचन गुरु महाराज के चरण साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनके अद्वैत कृपा वांछा करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म के बाद भक्ति वेदांत बोधन महाराज के चरण साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनका अद्वैत कृपा वांछा करता हूँ। तत्पश्चात रूपानुभव गुरुवर्ग परम गुरुदेव प्रभुपाद स्वपाद प्रभुपाद श्री सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के चरण में और अनंत कोटि वैष्णव वृंद के चरण साष्टांग दंडवत प्रणाम एवं उपस्थित सतीर्थ गुरु भ्राता वृंद वैष्णव वृंद समस्त के चरण में यथा गुरु दंडवत प्रणाम स्वीकार। आज एक विशेष तिथि है श्री सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर का आविर्भाव तिथि है। हम गौड़ीय वैष्णव का ये एक विशेष महत्वपूर्ण तिथि है और ऐसे तो उनके महिमा अनंत है और उनके महिमा को गुणगान करने वाले हमारा कुछ सामर्थ्य भी नहीं है, लेकिन वैष्णव से सुना है कि वैष्णव की तिथि पे अगर उनका कुछ भी स्पर्श अगर उनके कुछ भी गुणगान हो सके तो उनके कृपा प्राप्त होता है। इसलिए श्री वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं वैष्णव गुणगान करे ले जीवित्राम सुनिए अज साधु गुरु के, कि केवल मात्र वैष्णव के गुणगान से ही जीव का त्राण व जीव का कल्याण हो सकता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब इस जगत पे आए तो उन्होंने श्री नाम हरिनाम और श्री किस प्रकार प्रेम और किस प्रकार भक्ति के धारा को इस जगत में प्रवाहित किया और उनके अप्रकट के बाद अर्थात उनके अंतर्ध्यान के बाद जब उन्होंने क्या किया ना, जिस प्रकार से नाम और प्रेम और भक्ति को धारा को इस जगत में प्रवाहित किया था वो क्या हुआ ना, धीरे धीरे काल क्रम में लुप्त होते चले आया। तो उसी क्रम से श्री उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रेरणा से ही श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम प्रभु और श्यामानंद प्रभु इस जगत में आए। उनके कालक्रम से श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु आदि आचार्य वर्ग इस जगत में आके पुनः उस भक्ति धारा को प्रवाहित किया। फिर उनके अप्रकट के बाद क्या हुआ ना, ये भक्ति धारा पुनः विलुप्त होते चला गया। फिर महाप्रभु की इच्छा से ही सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर इस जगत में वही भक्ति धारा को पुनः प्रवाहित करने के लिए आए। अब इनके प्रणाम मंत्र में इनके स्वरूप को पता चलता है। इनका प्रणाम मंत्र क्या है ना, नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगमराय ते। ये क्या है ना, गौर शक्ति का स्वरूप है। इनका स्वरूप क्या है ना, महाप्रभु जिस धारा में प्रेम भक्ति को प्रदान करने के लिए आए वो लुप्त तीर्थ को गोस्वामी वर्गो ने जिनको उद्धार किया फिर भी विलुप्त हो गया था उसको पुनः उद्धारण किया, उसी धारा को पुनः प्रवाहित किया और क्या किए ना, ये भक्ति देवी को भक्ति विनोद आए, भक्ति देवी को भी विनोद किए अर्थात भक्ति देवी को भी आनंदित कर दिए। कैसे ना, महाप्रभु के जो धारा लुप्त तो हो गया था उसको ये क्या किए ना, पुनः उद्धारित किए और ग्रंथ प्रणयन किए। इसके माध्यम से भक्ति देवी अत्यंत रूप में क्या हुए ना, आनंदित हो गए और क्या हुआ ना, गौर प्रेष्ठ ये क्या है ना, महाप्रभु के निज जन है इसीलिए इनके अंदर महाप्रभु सारे के सारे शक्ति संचार करके ही भेजे। और ये क्या है ना, रूपानुगमराय ते सर्वश्रेष्ठ रूपानु आचार्य में श्रेष्ठ गिने जाते हैं। तो इनके जो महिमा है इससे पता चलता है कि जब सर्व गोस्वामी प्रभु ने इस जगत पे आए तो जो छह गोस्वामी को महाप्रभु ने विशेष रूप में तीन प्रमुख आदेश दिया था, एक है लुप्त तीर्थ का उद्धार करना और जो तीर्थ में जो विग्रह उनके जो विशेष रूप में सेवा करना और दूसरा क्या है ना, जो शुद्ध भक्ति ग्रंथ जो जीव की जगत के लिए नितांत आवश्यक है उसको क्या करना ना, प्रणयन करना। और तीसरा है महाप्रभु बोले कि मेरे नाम को प्रचार करना और मेरे महिमा को विशेष रूप में प्रचार करना। तो ये सारे के सारे चीज सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर ने किए, जो सड़क गोस्वामी ने किए
वही चीज को वही धारा को लेके हुए फिर रूपानुगत्य को स्वीकार करते हुए श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने भी किए, इसीलिए उनको सप्तम गोस्वामी नाम से वैष्णव जगत में परिचित हुए। अब इन्होंने क्या किया ना, सर्वप्रथम लुप्त तीर्थ का जो उद्धार किया, लुप्त तीर्थ का कैसा उद्धार किया, बोलते हैं कि श्री रूप गोस्वामी, यहाँ पे प्रश्न आते हैं कि श्री रूप गोस्वामी तो पहले ही गोस्वामी वर्ग ब्रजमंडल धाम में सारे के सारे लीला चिन्हट कर दिए थे कि इस जगह पे कृष्ण ये लीला करते हैं, यहाँ पे कालीदह है, यहाँ पे केसी घाट है, यहाँ पे बंसीवट है। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोलते हैं कि जो गोस्वामी ने ब्रजमंडल में कृष्ण लीला को उद्धार किया था, चिन्हट किया था, इन्होंने क्या किया ना, गौर लीला अर्थात गौर मंडल को, गौर धाम जहाँ पे महाप्रभु स्वयं प्रकटित हुए उनके लीला को इन्होंने चिन्हट किया। इसलिए बोलते हैं गौर ब्रजवन भेदा ना देखी हो वही वो ब्रजवासी, कि जो गौर मंडल है और जो ब्रजमंडल है उसमें विशेष रूप में भेद नहीं देखा जाता है, वो जो गौर मंडल है वो अभिन्न वृंदावन है। और क्या किया ना, ये एक समय ये कैसे किया ना, एक समय ये गोद्रुम पे बैठे हुए थे और भजन कर रहे थे, तब अचानक हटात उन्होंने देखा कि पूर्व दिशा में कोई बहुत सारा उज्ज्वल, जैसे कि मानो कि 100 करोड़ मुक्ता एक जगह या मुक्ता और हीरा एक जगह संगठित होके वो उज्ज्वल लाइट को प्रकाशित कर रहे हैं। तो पूर्व दिशा में इसे देख के वो सोचने लगे कि उस दिशा में क्या है। फिर बाद में फिर एक दिन देखा, फिर दोबारा दूसरे दिन वो भजन कर रहे थे तो गोद्रुम में बैठ के देख रहे हैं कि पूर्व दिशा में कोई बहुत चमचमाते हुए उज्ज्वल दिखाई दिया। तो बहुत सारे लोगों को पूछा कि आपने वो उज्ज्वल दिखा, तो वहाँ पे बहुत सारे जो गोद्रुम वासी वो बोलते हैं हमने तो कोई उज्ज्वल नहीं देखा, हमने तो कोई लाइट नहीं देखा। क्यों नहीं देखा, उन लोगों को चक्षु में केवल भक्ति विनोद ठाकुर के ही चक्षु में क्यों वो उज्ज्वल दिखाई दिया, बोलते हैं माया जल आवृत चक्षु देखे क्षुद्रगार, जड़मय भूमि जल द्रव्य जतवार, माया कृपा करी जाल उठाए जखन, आखी देखे सुविशाल चिन्मय भवन। बोलते हैं जब माया कृपा करके क्या करते ना, अपना माया जल को जब हटा देते हैं तब जाके जो धाम का जो चिन्मयत्व तो है, क्योंकि बद्धजीव होने के कारण धाम पूरा चिन्मय है और धाम में जो प्रत्येक वस्तु है, जल द्रव्य जतवार और भूमि और जितने भी पुष्प फल ये सब के सब चिन्मय है। और बद्धजीव क्या करते हैं, इसको साधारण मान लेते हैं, क्योंकि ये माया क्या करते हैं, माया जल आवृत चक्षु देखे क्षुद्रगर, क्षुद्रगर छोटा सा रूप में देखते हैं, तुच्छ देखते हैं, विशेष रूप में उसको महिमा को अनुभव नहीं कर पाते। लेकिन जिसको माया ने कृपा कर दिया अर्थात जो कृष्ण के पूर्ण शरणागति है उसको माया कभी छू नहीं सकता। तो अब क्या हुआ ना, भक्ति विनोद ठाकुर को उसी जगह पे दिखाई दे रहा है और बाकी जो लोग हैं साधारण जीव उनको दिखाई नहीं दे रहा है वो उज्ज्वल। तो एक दिन उन्होंने देखा, फिर उसी जगह पे सुबेरे होके जाके देखा तो उसी जगह पे मुसलमान का राजनीति था, वो मियाँपुर नाम में परिवर्तित हो गया था। तो तब क्या हुआ, वहाँ पे मुसलमान को लोग का सब कब्रिस्तान था और उसी जगह पे बहुत सारे तुलसी का पौधा था। तो उन्होंने पूछा कि यहाँ पे कुछ हो रहा था क्या, तो उन्होंने बोला यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे तो कब्रिस्तान है। तब बोले ये तुलसी का वृक्ष कब्रिस्तान में क्यों है। तो जब मुसलमान लोग ने बोला कि हमने बहुत प्रयास करके तुलसी को वृक्ष के यहाँ से जड़ से हटाने के लिए और काट के फेंक देते हैं, लेकिन पता नहीं कि क्यों ये खुद ना खुद अपने आप ही उग जाता है। तब इनको पता चल गया कि ये उनके मन में संदेह आ कि कहीं ये कहीं विशेष तीर्थ स्थान तो नहीं है। तब उन्होंने क्या किया, तुरंत कोलकाता में गए और कलकत्ता में जो लाइब्रेरी था वो लाइब्रेरी में 500 वर्ष पुराना पिछले क्या किया ना, मैप को जो मानचित्र है उनको निकाला और उसमें देखा कि जिस जगह पे वो मियाँपुर का कब्रिस्तान और तुलसी का पौधा उग रहा है और जहाँ पे कब्रिस्तान है उसी जगह पे क्या हो रहा है ना, उसी जगह पे ही श्रीमन महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने उसी जगह पे जन्म लिया। अब भक्ति विनोद ठाकुर अगर ये डायरेक्ट प्रचिंग कर देगी, प्रचार कर देगी ये जगह आप यहाँ पे कब्र हटा लो, ये हमारे महाप्रभु की जगह है और यहाँ पे हमारे महाप्रभु ने जन्म लिया है, इनके बात को तो कोई नहीं सुनता। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया ना, एक बोनाफाइड जो सबके बात को सुनने वाला, इसे इनके ऊपर भी जो हेड है, इनके ऊपर कौन हेड था उस समय, सिलस जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, उनको वैष्णव सार्वभौम बोल के वैष्णव जगत में परिचित थे। क्यों, वो गौड़ मंडल और वैष्णव गौड़ मंडल क्षेत्र मंडल और ब्रजमंडल में सारे वैष्णव उनको मानते थे और सर्वश्रेष्ठ वैष्णव थे। तो इसीलिए क्या किए ना, उनके पास जाके प्रणाम करके उनको विनती करने लगे
और तब उनको क्या कहना, एक टोकली में श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को अपने सर पे, अपने कंधे पे और सर पे लाके, टोकली को लाके श्री मायापुर धाम मियापुर में आए। तब उसी समय क्या हुआ, जिस समय उस जगह पे आए तुरंत श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज कहाँ, वो 140 साल के और उनके आँख ऐसे मतलब पूरा बंद हो जाते हैं, पूरा बिल्कुल दिखता ही नहीं है, और ऐसे कहीं कहीं आँख को ऐसे उठा के, जो आईब्रो को उठा के देखते हैं, और कहाँ वो टोकरी से ऊपर कूद गए। गौराविर्भाव निर्दिष्टम निर्दिष्टम सज्जन प्रियम वैष्णव सर्वम श्री जगन्नाथ, गौर महाप्रभु के जो आविर्भाव स्थान को जिन्होंने निर्दिष्ट किया, चिन्हित किया, और वो जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज जब बोल दिए कि यही सिवन महाप्रभु के क्या है ना जन्म स्थान है। अब सब वैष्णव लोग तो इनको स्वीकार किए, लेकिन जो मायावादी लोग है, ज्ञानी लोग, कर्मी लोग, जो मुसलमान लोग, वो तो नहीं माने, क्योंकि वो लोग वैष्णव नहीं है और वो लोग जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज को भी मानते नहीं। और जो जो लोग जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज को मानते थे कि ये सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है, वो लोग स्वीकार किए ये महाप्रभु का जन्म स्थान है। तब यहाँ पे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने नवदीप महात्मा के ग्रंथ में पहले से ही भविष्यवाणी कर दिया था, न क्या ना अद्भुत मंदिर है, है वे प्रकाश गौरांगिर नित्य सेवा है वे विकास, कि उस समय वो आनंद में उल्लासित होके और बोले कि यहाँ पे अद्भुत मंदिर होगा, यहाँ पे श्रीमन महाप्रभु का क्या होगा ना, बहुत बड़ा मंदिर होगा और श्रीमन महाप्रभु का धाम का यहाँ पे प्रकाशित होगा। तब क्या किया ना उन्होंने, एक उसी समय नवदीप धाम महात्मा एक ऐसा एक ग्रंथ रचना की, और उसी ग्रंथ में लोभ दिखाया, क्या लोभ दिखाया ना, नवदीप धाम में जो विशेष रूप में उसका महात्म्य को दिखाया, उसमें कौन सा गोलदीप है, कौन सा गुटरूम द्वीप है, कौन सा मध्य द्वीप, कौन सा ऋतु द्वीप, कौन सा जन्मद्वीप, कौन सा जगह पे महाप्रभु ने किस किस लीला को किया था, वो सब को चिन्हट किया और उसी नवदीप ग्रंथ में उसको लिखा, और उसको उसी ग्रंथ को रचना करते हुए वो बोल रहे हैं कि ब्रजमंडल और नवदीप धाम में, जो ब्रजमंडल और गौड़ मंडल में भी, गौड़ मंडल सबसे श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है ना, यहाँ पे अन्य तीर्थ अपराधे दंडेर भाजन, नवद्वीप अपराधे सदा मार्जन, कि यहाँ पे अपराध नहीं लगता, अपराध करने से भी यहाँ पे दंड का विधान नहीं है, लेकिन बाकी तीर्थों में पुण्य कीर्ते करो पापम वज्राद अभी क्या होता है ना, सर पे वज्र गिरता है और बहुत पाप, मतलब पाप लगता है, लेकिन इस नवदीप धाम में अपराध करने से उसमें दंड नहीं मिलता। जगाई माधाई ने बहुत सारे अपराध किए, लेकिन श्रीमन महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु ने उनको क्या किया, उदाहरण देते हुए बोलते हैं कि उनको उनके अपराध को देखा नहीं, यहाँ पे मार्जन कर देते हैं सारे अपराध को, ऐसे ऐसे लोभ दिखाया और ऐसे ऐसे लोभ दिखा के लोगों को आकृष्ट करने लगे, प्रचार करने लगे कि ये श्रीमन महाप्रभु के कैसे क्या है ना, महाप्रभु इसी जगह पे आविर्भूत हुए थे। अब इन्होंने विग्रह प्रकाश कैसे की ना, यद्यपि श्री मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ आदि विग्रहों को बज्रनाथ जी ने पहले से स्थापन किया, और उनको हमारे गोस्वामी वर्ग ने इसको किया गया ना, इन मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ दामोदर इत्यादि विग्रहों को ठाकुर जी का क्या किया ना, गोस्वामी वर्ग ने इनको पहले से ही प्रकाशित कर दिए थे। अब इनके जो विशेष रूप में कैसे सेवा होगा ये इसके बाद किसी को पता नहीं था, तो इन्होंने प्रभुपाद के माध्यम से, इन्होंने खुद अपने सारे शक्ति होने पर भी खुद नहीं किया, अपने बेटे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद के माध्यम से ये विग्रह को जगत में प्रकाशित किया। अब बोले प्रभुपाद कैसे ये विग्रह को प्रकाशित किए, बोले कि 64 जो मठ को प्रभुपाद ने रचना मतलब बनाया, तो उसी में एक एक विग्रह को स्थापन करके उन विग्रहों को महिमा को प्रकाश किया। कैसे, यहाँ पे जैसे हमारे बड़ा दांडो के मठ में नयन मणि जीव, और वहाँ पे गांधार विग्रह गिरधारी विनोद प्राण जीव, ऐसे बहुत सारे विग्रहों को क्या किया ना, श्रील प्रभुपाद ने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के धारा में आके क्या किया ना, जगत में स्थापित किया, और उसी विग्रह का सेवा कैसा होना चाहिए। और हमारे परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान श्रील केशव गोस्वामी महाराज विनोद बिहारी जी के विग्रह को, श्वेत विग्रह को प्रकाशित किया, वो बड़े अच्छे राधा विनोद बिहारी तत्वाष्टकम में लिखे हैं कि कैसे कि राधा रानी के अंग कांति को लेकर ठाकुर जी कैसे श्वेत हो गए, कितना उनका सेवा का भावना। और हमारे गुरुदेव ने भी कैसे श्री रमन बिहारी और उसी विग्रह को और विनोद बिहारी इसी विग्रह को सेवा के भावना से, उनका क्या सेवा था, और श्री भक्ति विनोद के ठाकुर से क्रम में
श्री भक्ति विनोद जिस रूप में विग्रह को सेवा और विग्रह को प्रतिष्ठा करने के लिए चाहते थे, ये चीज को श्री प्रभुपाद हमारे परम गुरुदेव श्री भक्तिवान बावन गोस्वामी महाराज और हमारे गुरुदेव श्री भक्तिवान नारायण गोस्वामी महाराज ने इसी चीज को अनुगत्य में ग्रहण करके उसी सेवा को परिपाटी हमारे जैसे बद्ध जीव को सिखाया। जीव जगत हमारे क्या क्या ना हमारे ऊपर विशेष कृपा की अर्चय रूप में। और क्या गया ना, ये तो हो गया पहला वाला जो उन्होंने लुप्त तीर्थ और विग्रह का क्या गया ना पुनः उद्धार किया और पुनः सेवा के प्रणाली सिखाए। और दूसरा क्या है ना, शुद्ध भक्ति ग्रंथ का प्रणयन। अब शुद्ध भक्ति ग्रंथ का प्रणयन क्या है, जब यहाँ इन्होंने श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने जब पूरी पे थे तो यहाँ पे एक बहुत सारा, पहले जमाने में तो ऐसा रोड नहीं था तो बहुत सारा जंगल पूरा पेड़ वेड़ था, तो उस समय एक कपटी बिशकनाथ नाम का एक तांत्रिक बिशकसेन नाम का एक तांत्रिक पूरा अपने आप को बोल प्रचार करके रखा हुआ था कि ये महाविष्णु है, और प्रचार करके रखा था कि चैत्र के जो 14 नंबर दिन अर्थात चैत्र महीने के जो संक्रांति होता है और उसमें जो कोणा संक्रांति की तिथि में इसका चतुर्भुज प्रकट होता है, ऐसे ऐसे सिद्धि करके रखा था और अपने जैसे कि तंत्र मंत्र से पूरा बड़े बड़े चोटी करके रखा था। और इतना बड़ा बड़ा चोटी से जब हिलाता है ना वहाँ पे आग जल जाता है जंगल में। तब इन्होंने जब इसी बात को सुना तो इसी अपर सिद्धांत को कैसे खंडन किया, और उस समय वो मैजिस्ट्रेट थे और उनके कौन नहीं सुने गांव में है। और हमारे उड़ीसा का लोग बड़े भावुक, जैसे सारथी बाबा को भगवान बोलना शुरू कर दिया, ऐसे हमारे उड़ीसा के लोग बड़े मतलब धार्मिक, बड़े धार्मिक लोग होते हैं। बोले मैं महाविष्णु मानता था, कुछ लोगों का उनने ये दायित्व भक्ति में डाल दिया। और जब भक्ति विनोद ठाकुर अपना घर में आए, बीमारी में पड़ी हुई है, उनको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया, उनको पता है रिद्धि सिद्धि का कुछ चमत्कार, उसको जब खाने के लिए दिया उसको खाना नहीं खाया, उसको जेल में बंद कर दिए। उन्होंने ऐसे 21 दिन तक उन्होंने ऐसे ही 21 दिन तक रहे, उसके बाद में उन्होंने प्राण को फिर उन्होंने त्याग दे दिया। अरे ठीक ऐसे ही और भी दो बाबा थे उड़ीसा है, क्या और दो बाबा है जो हमारे जो पिपिल में एक था और एक खोरदा में, वहां पर भी ऐसे दो और थे जो अपने आप को भगवान बोलने वाले हैं, वो भी ऐसे ऐसे अपने आप को भगवान बोलते थे। भक्ति विनोद ठाकुर ये दोनों को भी उन्होंने जेल में उन्होंने बंद किया दोनों को। अगर कोई उल्टा लोग अगर कुछ करते थे, भक्ति विनोद ठाकुर ने उसी समय में ही उनको प्रतिवाद किया और उनको उसी रूप में किया गया ना, इनको भक्ति विनोद ठाकुर को अभी किया गया ना विशेष रूप में उनके महिमा को जानने लगे। अब इन्होंने ग्रंथ का, अब ये क्या करते थे ना, दिन भर कोर्ट में रहते थे और क्या के और बहुत बड़े बैरिस्टर थे, तब इन्होंने रात में जब आते थे तो तुरंत 8 बजे के अंदर प्रसाद पा के सो जाते थे, और रात में 12 बजे पत्नी उठ के देखते हैं कि मेरे पति कर क्या रहे, तो ये देख के आश्चर्य हो जाते कि ये बहुत सारे ग्रंथों को रात भर बैठ के उसका ट्रांसलेशन करते हैं, उसको गाते हैं, उसी भाव में गाते हैं, उसी इन्होंने पत्नी रात में उठ के देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं ना, पूरी बना रहे हैं। तो इनका भाव क्या है कि रात के 1 बजे पूरी बना रहे, तो इनका भाव ये है कि ये गोपी भाव में आविष्ट हो जाते थे, और गोपी भाव में इतने आविष्ट हो जाते थे कि मंजरी भाव को इतने आविष्ट हो जाते थे कि इसमें रात में जब ठाकुर जी रास करते हैं और जब रास करते हुए थक जाते हैं तो इनको मन में आया कि अभी ठाकुर जी को भूख लगते हैं, थक जाते हैं, मैं वहां पे क्या करता हूँ, ललिता के जूत में रह के कर्पूर सेवा आदि करता हूँ। तब यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसकी किस भाव में ये लिखते हैं और किस भाव में ग्रंथ को लिखते हैं, किस भाव में ये ग्रंथ को लिखते हैं, क्योंकि जो जिसी प्रकार में प्रभुपाद बोलते हैं जो जिस रूप में लीला में प्रविष्ट होगा उसी का उसी रूप में भाव जगत को प्रकाशित होगा। अब इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ को ऐसे
रचना की जैव धर्म और नवदीप धाम महात्म्य और महाप्रभु को गोस्वामी गोस्वामी वर्गों को वाणी को जगत में प्रचार किया। और तीन नंबर जो है, महाप्रभु ने आदेश दिया था कि मेरे नाम हर जगह प्रचार करना। अब इन्होंने क्या किया ना, गांव गांव में गए, और जब गांव गांव में जाके क्या किया ना, सारे वैष्णव लोगों को और कहीं कहीं लोग को एकत्रित किए, और एकत्रित करके वहां पे एक कमेटी संगठन क्रिएट किए, और उसी जगह का नाम दिया नामहट्ट। नामहट्ट, हट्ट शब्द अर्थात मेला, जैसे हमारे उड़ीसा में बोलते हैं हाट, हाट अर्थात साधारण रूप में देखा जाए तो बाजार। अब इस बाजार में क्या 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 मिलता है ना, कौन सा चीज का ये बाजार था ना, ये बाजार था कर्मियों का बाजार, ज्ञानियों का बाजार, मुक्तियों का बाजार, योगियों का बाजार, और भक्त के रूप में, भक्ति के धारा में शांत दास्य वात्सल्य आदि एक एक बाजार के रूप में था। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, मैं इस बाजार का, नामहट्ट बाजार का मैं क्या हूँ ना, झाड़ूदार हूँ। अब जब झाड़ूदार है, इनके सेवा क्या है ना, इनके सेवा है झाड़ू करना, झाड़ू करके साफ करना। अब ये क्या साफ करते हैं, ये केवल भक्ति को छोड़ के बाकी जितना कर्मी ज्ञानी का जितना भी बाजार है और जो भोगी मुक्ति, वो सब बाजार को अपने झाड़ू में क्या करते हैं ना, सबको साफ कर देते, ताकि इस बाजार में कोई नामहट्ट बाजार में कोई आए तो उसको केवल नाम ही नाम देखा जाए और भक्ति ही भक्ति मिले, और बाकी कर्मी ज्ञानी इत्यादि इत्यादि मुक्ति भोग कामी इत्यादि कुछ ना मिले। तो ऐसे जब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अब बोलते हैं कि इनका व्यापार क्या था, कि बोलने की धर्म बोली वेदे जारे इत्ते को प्रशंसा करे ताहा किछु नाही कर धर्मा धर्म परिहर होर त निगुण व्यापार, कि धर्म में धर्म बोल के वेद में जितना बखना है उसको क्या करो ना, उसको सब छोड़ो और केवल होर त निगुण व्यापार, राधा कृष्ण के जो लीला में और महाजन के जो पंथ में उसको उनको अनुसरण करके क्या करो, उनके उसके रूप में क्या करो, खरीदारी करो। अब जो लोग यहाँ पे आते हैं क्या खरीदारी करते हैं ना, अपने अपने पसंद से जो जो चीज, कोई कोई वात्सल्य के बाजार से, कोई दास्य के बाजार से, कोई साख्य के बाजार से, कोई मधुर के बाजार से क्या करते हैं ना, खरीद करते हैं, प्रेम खरीद करते हैं। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि श्री भक्ति विनोद ठाकुर कि यहाँ पे एक बड़े अच्छे मजेदार बात है, वो क्या ना, बड़ा मजार खबर था, श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम से ही हटे थे बिकाए, वहाँ पे क्या बिकता है, वहाँ पे पैसा लेके जाना नहीं पड़ता है उसी हाट में, साधारण तो जैसे लेके जाते हैं वहाँ पे क्या ना, श्रद्धा मूल्य में क्या होता है ना, उसी हाट में शुद्ध नाम बेचा जाता है। और बोल रहे हैं यदि नाम किनवे भाई अमार संगे चलो महाजनेर का अच्छे जाए, कि बोलते सबको पुकार पुकार के कि अगर तुमको नाम चाहिए, अगर तुमको बिना मूल्य दिए कुछ चाहिए तुम महाजन गण के पास चलो। इसी रूप में जैसे गोस्वामी वर्ग ने किया कि लुप्त ग्रंथ का, लुप्त तीर्थ और विग्रहों का सेवा प्रकाश की, और क्या किए ना, शुद्ध भक्ति का ग्रंथ प्रणयन किया और नाम का प्रचार किया, इन्होंने भी प्रचार किया, इसलिए इनको सप्तम गोस्वामी बोलते हैं। इनके महिमा तो विशेष है, लेकिन एक बात बोल के मैं कथा को विश्राम, मतलब उनके चरण में पुष्पांजलि देना चाहता हूँ, कि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद अपने मन शिक्षा में एक श्लोक पे बोलते हैं ना, प्रतिष्ठा सा दुष्टा सोपज रमणी में हृदय नटे कथम साधु प्रेमास पुषति सुचिचेत ननु मना सदा तुम सेवसम प्रभु दैत सामंतम अतुलम जथा तम निष्कस्यम तुरितमिहं तम बसेति सह। बोल रहे हैं कि ये जो प्रतिष्ठा सा का आशा है वो चंडालुनी सदरू से, वो क्या करता है ना, जब वो हृदय में आ जाता है तो कथन साधु प्रेमा, कि साधु प्रेम कहाँ से उत्पन्न होगा। अब भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि महाजन के पास चलो। अब बोल बद्ध जी बोल रहे हैं कि मेरे हृदय में तो प्रतिष्ठा आशा लोक काम इत्यादि है, तो यहाँ पे साधु का प्रेम कहाँ से आएगा। तब यहाँ पे बोलते हैं कि सदा तुम सेव प्रभु दैत सामंतम अतुलम, कि तुम क्या करो ना, प्रभु के जो दैत सामंतम है, जो सेनापति है, उनको सेवा करो। अब इसी बात को बड़े अच्छे रूप में हमारे प्रभुपाद और गुरुदेव बता रहे हैं कि जो कैप्टन है वो श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु है, और जो स्वरूप दामोदर है वो क्या है ना, गौड़ीय, हमारे गौड़ीय धारा का वो नियंता है, मालिक है स्वरूप दामोदर प्रभु। तो पहले उनके पास जाके नियुक्ति करना चाहिए, और इनके जो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आदि गोस्वामी वर्ग, इनके जो दल के जूत के क्या है ना, ये सेनापति है,
अब इनके रूपानुगत धारा में श्री भक्ति विनोद ठाकुर, गुरुदेव, परम गुरुदेव, प्रभुपाद, ये सब किए हैं, क्या है ना, सैनिक है। अब इन्होंने श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये लोग अपने आप को प्रस्तुत कैसे करते हैं ना, अपने आप को प्रस्तुत इस रूप में करते हैं कि जैसे पूरा का पूरा सेवा का वृत्ति को एक ग्रंथ में और पूरा का पूरा जो भाव रस और सबको ग्रंथ के रूप में प्रकाशित करके अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। और बोल रहे हैं ना इनका काम क्या है, ना सैनिक का काम क्या होता है, ये गोली फोड़ देते हैं। बोले किसके ऊपर गोली फोड़ देते हैं, ज्ञानी के ऊपर, कर्मियों के ऊपर, कर्मी के विचार के ऊपर, ज्ञानी के ऊपर विचार के ऊपर ये क्या करते हैं ना, गोली फोड़ देते हैं। अब जब श्रीमन महाप्रभु की धारा में ये लोग प्रचार करने जाते हैं तब क्या करते हैं ना, उसी गोली को ज्ञानी के ऊपर और कर्मी के ऊपर गोली फोड़ के उसको पूरा ध्वस्त करके केवल शुद्ध भक्ति धारा को ही प्रकाशित करते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे कथा है, उनके महिमा तो अनंत है, हम जैसे बद्ध जी उनके महिमा को गुणगान करने में असमर्थ है, फिर भी गुरु जी की आज्ञा था और बहुत समय भी हो गया। और गुरु जी हमारे, मैं तो सुनाऊँ, हमारे गुरुदेव जिस समय मथुरा में कथा करते हैं सभा में, उस समय क्या होता है ना, ऐसे गोली फोड़ते हैं कर्मी और ज्ञानी को, सब गुरु जी को डर के भाग जाते हैं, इतना गुरुदेव का मतलब वहाँ पे महिमा था, पूरा का पूरा गुरुदेव क्या करते हैं ना, विशेष रूप में भक्ति धारा को प्रचार किए। और हम भी बड़े सौभाग्यवान की वही भक्ति विनोद ठाकुर के और गुरुदेव, परम गुरुदेव प्रभुपाद के धारा में आए, ये तो केवल की केवल संभव पर हुआ कि हमारे गुरु जी के माध्यम से। इसीलिए आज हम मैं क्या करता हूँ ना, मेरे गुरु जी के ही चरण में ये वाचनिक पुष्पांजलि देता हूँ कि वो मुझे कृपा करे विशेष रूप में कि कभी 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 जन्म में क्या हुए ना, मुझे वो वाला जो सैनिक में उनका सैनिक बन पाऊँ और विशेष रूप में उनके मनोविष्ट को पूरा कर पाऊँ। ओम ज्ञान तिम राम दस ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बल हरि कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम 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 हरि हरि। सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद प्रथमा कृष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्री मद्भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद प्रथमा नित्यलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण स्वरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजुग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज हमारे श्री सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का आज कौन सा दिन है, आविर्भाव तिथि। अभी तक हम लोगों ने विभिन्न दृष्टिकोण से इनकी महिमा को हम श्रवण कर रहे थे। कदि ये भक्ति जगत में प्राय करके उसमें जुहार और भट्टा आती है, जुहार भट्टा समझते कि नहीं, कभी पानी उफनती है और कभी पानी नीचे हो जाती है। कभी जो शुद्ध भक्ति की धारा कर कर तीन पीढ़ी तक कम से कम रहती है, लेकिन उसको बाद में धीरे 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 क्या है, पहले जब भगवान किसी महापुरुष को भेजते हैं वो पूरा प्योर रूप में जो शुद्ध भक्ति धारा को वो प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन बाद में जब उनका शिष्य प्रशिष्य होते हैं थोड़ी सी कम हो जाती है, फिर उनको जब शिष्य प्रशिष्य वो थोड़ी सी कम हो जाती है, उनका जब शिष्य प्रशिष्य आते हैं वो थोड़ी सी कम हो जाता है, ये धीरे धीरे ये बढ़ती है और धीरे 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 ये घटती रहती है। जब घटती है फिर क्या होता है, फिर भगवान हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जी वे दया करी सपार सदस्य धाम सहावतारी, फिर भगवान क्या करते हैं किसी एक विशेष व्यक्ति को इसी जगत में नियुक्त करते हैं वो शुद्ध भक्ति धारा को प्रचार करने के लिए। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर को सप्तम गोस्वामी बताया है, लेकिन गोस्वामी कितना, छह ही गोस्वामी, छह हैं, श्री जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, कल छह गोस्वामी, सात गोस्वामी अभी तक किसको बताया नहीं,
लेकिन तथाकथित जितने विद्वान लोग थे वो सबके सब मिल करके केवल श्री भक्ति विनोद ठाकुर के बहुत परंपरा में आए हैं, लेकिन श्री भक्ति विनोद ठाकुर को उन लोगों ने क्या बताया, ये सप्तम गोस्वामी, क्योंकि गोस्वामी ने जो जो काम किया है कहते भक्ति विनोद ठाकुर ने भी ठीक उसी धारा को एकदम एग्जैक्टली ही उसी धारा को उन्होंने जगत में प्रचार और प्रसार, भक्ति ग्रंथ प्रणयन, शुद्ध राग भक्ति के प्रचार, विग्रह प्रचार और धाम को उन्होंने उद्घाटित किया है, इसलिए उनको सप्तम गोस्वामी बताए। और इनको क्या बताए, भक्ति जगत का भगीरथ बताए, भक्ति की ये भगीरथ है, क्योंकि भगीरथ ने जब गंगा को लाए ऐसे नहीं लाए, बहुत कठिन किया, सगर महाराज के जो 10,000 बच्चे सबके सब शरीर छोड़ दिए थे, उसी वजह से अंशुमान आए, सगर अंशुमान आए, उसमें दिल्ली भी आए, बहुत राजा आए, उन लोगों ने बहुत कोशिश किया गंगा को लाने के लिए, लेकिन कोई गंगा नहीं ला पाए, लेकिन किसने लाए, भगीरथ ने लाए। बोले क्यों, उन्होंने कठोर तपस्या की गंगा को लाने के लिए, कठोर तपस्या की, तपस्या करके गंगा को संतुष्ट हो गई, लाने की तैयारी हो गई, बोले मेरे प्रेम को फिर कौन धारण करेगा, अरे शंकर जी को प्रसन्न किया, मेरे प्रेम को कौन धारण करेगा, गंगा बोले दूसरे मेरे प्रॉब्लम, बोले क्या है, बोले मैं जब आऊंगी बड़े बड़े पापी लोग स्नान करेंगे, मैं पवित्र कैसे होऊंगा, बोले बड़े बड़े साधु लोग भी आएंगे, वे भी स्नान करेंगे, इसलिए तीर्थ गुरुवती तीर्था निशांत तेन गदावृत, क्योंकि भक्तों का हृदय में भगवान का निवास है, बड़े बड़े भक्त लोग जब स्नान करेंगे तुम्हारे सारे पाप को ग्रहण कर। फिर गंगा तो आई, फिर भगीरथ जब ला रहे थे शंख बजाते बजाते जा रहे थे, आते आते फिर क्या हुआ, श्री जन्मोमनि के आश्रम जब दे कर गए, फिर उन्होंने पूरा पूरा पान कर लिया, बोले गंगा फिर कहाँ गई, बोले कहता खत्म, फिर उनको संतुष्ट किया, मतलब बहुत कष्ट करके उन्होंने गंगा को जगत में अवतीर्ण किए, इसलिए जितने कितने लोगों का कल्याण होता है, उसी तरह श्री भक्ति विनोद ठाकुर भी इनको कहते ये भक्ति जगत का भगीरथ है, जैसे भगीरथ अत्यंत कष्ट करके लाए, भक्ति विनोद ठाकुर भी बड़ा कष्ट करके ये भक्ति धारा को जगत में प्रचार प्रसार किया। भक्ति विनोद ठाकुर आने से पहले जितने अपसंप्रदाय छा गया था, आउन बाउन नेड़ा नेड़ी सखी भेकी दरवेशाई है, इसलिए बाबा जी माता जी था लाल कपड़े पहने हुए, लेकिन स्त्री भी लाल कपड़ा पहना, पुरुष भी लाल कपड़ा पहने हुआ है, इसे दोनों बाबा जी, और क्या कर, कोई सिगरेट फूंकता है, कोई गंजा खाता है, कोई मांस मछली, अभी भी नवद्वीप में अभी भी विभिन्न देशों में ऐसे है, गला में कंठी, मैं तेरी जगह पर कथा करने के लिए गया, गला में कंठी तिलक लगाए, घर में ठाकुर मैं बहुत अच्छा आदमी, मांस मछली खाता है, इसलिए उसी समय में क्या हो रहा था, वो नाम क्या देते थे, हाँ महाप्रभु का, चैतन्य महाप्रभु का भक्त, इसलिए जगत में महाप्रभु का इतना बदनामी हो गया था, लोग महाप्रभु का नाम सुनकर नाग सिकुड़ाया करते थे, ये सब गौरांग महाप्रभु कैसे, नेड़े नेड़ी है सखी भेकी, ये सब महाप्रभु का भक्त है, मतलब उनका नाम सुनकर ना बड़े घृणा करते थे महाप्रभु का नाम को, लेकिन श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने उन्होंने पूरा प्योर भक्ति शुद्ध भक्ति धारा को उन्होंने जगत में लाए, बड़ा कष्ट करके लाए, उस समय में सुना है ना कितने सारे अवतार आकर के क्या क्या उल्टा पुल्टा करते थे, इसलिए उन्होंने सबको दंड दिया, दंड देकर उन्होंने क्या किया, शुद्ध भक्ति धारा को जगत में धीरे 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 प्रसार किया, धीरे धीरे लाए, विशेष करके उनकी जो सबसे बड़ा जो देन है कहते फलेना परिचय थे, एक वृक्ष का महिमा हम कम समझते हैं फल से, अगर घर के अंदर में कोई आपेल कोई अंगूर का पेड़ हुआ ना मिल रखो, क्यों भविष्य में ये फल देगा, लेकिन अगर कोई बबुल का पेड़ कांटा के काट दो, जैसे पेड़ पेड़ कोई काम का नहीं काट देंगे, फिर कोई फल होगा तो उसको फिर रखते हैं, इसलिए कोई वृक्ष की महिमा कब पता चलता है, फल है ना परिचय थे फल को द्वारा, कहते इन्होंने कौन सा फल दिया है, कहते श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी रूपी फल पूर्ण जगत में, क्या उन्होंने फल लाए, अद्भुत उन्होंने फल लाए, प्रभुपाद को जो उन्होंने दिया है, इन्होंने जब उन्होंने सारे ग्रंथ को रचना किया, कितने ग्रंथ उन्होंने रचना किया, ग्रंथ रचना जब किया उन्होंने देखा इतने सारे ग्रंथ तो मैंने रचना की है,
लेकिन भविष्य में जो प्रचार प्रसार कौन करेगा, नहीं तो सब दिमाग लग जाएंगे सबके सब ग्रंथ में। फिर उन्होंने श्री विमला देवी से जगन्नाथ जी का शक्ति से प्रार्थना किया, हे विमला देवी हमें ऐसे एक योग्य संतान प्रदान करो जैसे भविष्य में महाप्रभु का शुद्ध वाणी को जगत में प्रचार और प्रसार कर सके। फिर तो श्री विमला देवी की कृपा से श्रील प्रभुपाद जन्म हुए, कहां पर, इसी पुरी में ही जन्म हुए हैं, इसलिए उनका नाम रखा विमला प्रसाद। इसलिए श्री हमारे भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज वो कहते हैं प्रभुपाद का जो देन है वो कहते हैं अभी तक जगत में जितने आचार्य आए हैं कहते हैं कि तराजू ले लो, तराजू का एक